हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 11, द कैप्टन्स डॉटर। द पोएम बिगिंस ऑन अ नोट ऑफ फियर विच टर्न्स इनटू डिटेक्शन विच इन टर्न गिव्स वे टू होप ऑल बिकॉज ऑफ अ लिटिल गर्ल्स फेथ इन गॉड। तो ये पोएम है, बिगिन होती है, शुरू होती है फियर से, ठीक है, यानी डर से शुरू होती है और अल्टीमेटली पूरा माहौल उदास हो जाता है और उसके बाद एक छोटी बच्ची जिसका विश्वास भगवान में बहुत ज़्यादा है उसकी वजह से उनकी जो होप्स होती हैं, उनकी जो 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 भी वो सोच रहे होते हैं वो ट्रू होने शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो आइए हम आगे इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। वी वर क्राउडेड इन दी केबिन। तो यहाँ पर जो पोएम है ये शुरू होती है ये कहते हुए कि एक केबिन में, यानी एक छोटे से स्मॉल रूम में जो कि एक शिप के अंदर मौजूद है, वहाँ पर बहुत सारे लोग गैदर्ड हैं एक साथ। ठीक है, वो क्राउडेड है यानी कि बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं। ठीक है, नॉट अ सोल वुड डेयर टू स्लीप। नॉट अ सोल, नॉट अ सोल का मतलब हो गया कोई भी, नो बडी। सोल का मतलब होता है आत्मा, ठीक है, जो कि इंसान के अंदर होती है। तो नॉट अ सोल का मतलब हो गया कोई भी इंसान, ठीक है, वुड डेयर टू स्लीप, कोई भी इंसान ऐसे फ्राइटनिंग, ऐसे एकदम टेंस माहौल में, डरे हुए माहौल में नहीं सोना चाहता था। ठीक है, कोई भी, किसी को भी ऐसे माहौल में नींद भी नहीं आ रही थी उस केबिन के अंदर। इट वॉज़ मिड नाइट ऑन दी वाटर्स, और ये समय था मिड नाइट का, यानी आधी रात हो चुकी थी, पूरा चारों तरफ डार्कनेस था, आइसोलेशन था और इस सिचुएशन में कोई भी सो नहीं पा रहा था। एंड द स्टॉर्म वॉज ऑन दी डीप। क्यों नहीं सो पा रहा था, उसके पीछे का कारण है कि नदी में तूफान, जो सी थी उसमें बहुत बड़ा तूफान आया था। ठीक है, यानी अब ये जो सीन है अचानक से तूफान का शुरू कर दिया, ओशन का शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस ओशन के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा भयानक स्टॉर्म आया हुआ था। ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो शिप थी, ठीक है, जो भी ये शिप थी वो बहुत ज़्यादा डेंजर में थी। ठीक है, अनसर्टेनिटी थी उस माहौल में। इट्स अ फियरफुल थिंग इन विंटर। अब यहाँ पर जो फियरफुल थिंग इन विंटर का मतलब, यहाँ पर पोएट यही रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं कि सभी लोग डरे हुए थे, सब डेंजर में थे, सभी लोग उस स्टॉर्म को फेस कर रहे थे और ये विंटर का सीजन भी था। टू बी शैटर्ड बाई दी ब्लास्ट। अब टू बी शैटर्ड, शैटर्ड बाई दी ब्लास्ट का मीनिंग यहाँ पर सीधे सीधे हो गया कि जो स्ट्रॉन्ग विंड्स थी, जो रफ सी थी, ठीक है, जिसमें लहरें उठ रही थीं, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डैमेज हो सकता था, जो शिप थी पूरी तरीके से तबाह हो सकती थी और यही जो डर था वो सबको सता रहा था। एंड टू द हियर द रैटलिंग ट्रम्पेट and to hear the rattling trumpet। यहाँ पर जो trumpet होता है, जो बिगुल होता है, ठीक है, जब danger के समय में बहुत ज़्यादा sirens बजाए जाते हैं, horns blow किए जाते हैं, तो ship में भी जो trumpet था उसकी वो mainly यही signal कर रहा था कि जो ship है वो, उसको अब जहाँ तक है खाली कर दिया जाए क्योंकि अब वो लोग बहुत ज़्यादा danger में हैं। Thunder cut away the mast। और अब यहाँ पर थंडर का इस्तेमाल हुआ, थंडर का मतलब हो गया कि अब बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आ चुका था और फिर कोई एक बंदा कहता है कट अवे द मास्ट। कट अवे द मास्ट का मतलब हो गया कि जो मास्ट होता है, जो कपड़ा होता है शिप में, उसको हटाया जाए। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही होती हैं तो जो कपड़ा होता है, जो मास्ट होता है जिसकी वजह से शिप आगे चल रहा होता है, उसको हटाना ज़रूरी होता है वरना मास्ट फट जाएगा। तो जब नॉर्मल मौसम होगा तो शिप आगे मूव नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो मास्ट जो होता है वो शिप का कपड़ा होता है, उसको हम मास्ट बोलते हैं। तो इस स्टॉर्म में एक अर्जेंट कमांड आती है और ये कमांड होती है कि जो मास्ट है उसको हटा दिया जाए। ठीक है, और ये शिप के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा क्रिटिकल स्टेप होता है शिप को सेव करने के लिए। सो वी श्रडेड देयर इन साइलेंस। अब यहाँ पर जो लोग होते हैं, जो केबिन के अंदर होते हैं, वो सभी बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं और सभी एकदम शांत होते हैं। ठीक है, और जो स्टॉर्म होता है उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हाई होती है कि कोई कुछ कर ही नहीं सकता था, इसीलिए सब कोई उस तूफान में, उस केबिन के अंदर शांत होते हैं। फॉर द स्टाउटेस्ट हेल्ड हिज ब्रीथ। अब यहाँ पर जो स्टाउटेस्ट का मतलब हो गया जो ब्रेवेस्ट होते हैं। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा ब्रेव पीपल भी थे, जो बहुत ज़्यादा ब्रेव लोग थे, वो भी इतने ज़्यादा डरे हुए थे, इतने ज़्यादा स्केर्ड थे कि वो कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे और इनफैक्ट उनकी जो सांसें थीं
वो भी बहुत ज़्यादा लाउडली उनकी ब्रीदिंग जो थी वो सुनाई दे रही थी, सॉरी इसमें जो उनकी ब्रीदिंग थी वो भी मतलब इतने ज़्यादा डरे हुए थे कि उनकी जो लाउड ब्रीद थी वो भी नहीं सुनाई दे रही थी। वाइल दी हंग्री सी वॉज रोरिंग, अब यहाँ पर जो वाइल द हंग्री सी वॉज रोनिंग रोरिंग में जो हंग्री है उसको परसोनीफाई किया है, ठीक है। यहाँ पर जो पोएट हैं वो परसोनीफाई कर रहे हैं सी को, जो सी है उसको हंग्री से परसोनीफाई कर रहे हैं, ठीक है, कि वो जो सी है वो भूखी है, ठीक है, और सबको निगल लेगी, यहाँ पर ये एम्फसाइज़ किया गया है। वो बहुत ज़्यादा रोर कर रही है यानी शोर कर रही है, रोरिंग का मतलब हो गया शोर करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा खूंखार हो गई है शी और सब और सी जो है ओशन जो है वो बहुत ज़्यादा खूंखार हो गई है, फियर्स हो गई है, ठीक है, खूंखार का मतलब फियर्स हो गई है और उसका बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग मतलब सबको बहुत ज़्यादा थ्रेट कर रही है, डरा रही है कि वो सबको खा जाएगी। एंड द ब्रेकर्स स्टॉक्ड विद डेथ, अब यहाँ पर ब्रेकर्स का इस्तेमाल हुआ है, ये कौन से ब्रेकर्स होते हैं, कुछ ब्रेकर्स तो हमने सड़कों पर देखे हैं जहाँ पर ब्रेकर आता है तो हम स्पीड स्लो कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो ब्रेकर्स हैं वो पानी के जो लहरें हैं उनको ब्रेकर्स बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्रेकर्स हैं जो वेव्स हैं वो इतने ज़्यादा हाई हैं कि वो डेथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जो लहरें हैं वो डेथ से बातें कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो सिचुएशन है ये पेरिलियस सिचुएशन है, यानी कि ऐसी सिचुएशन बन गई है कि अब कोई भी इन लहरों से बच नहीं पाएगा, इतनी ज़्यादा भयानक सिचुएशन यहाँ पर आ चुकी है। एज दस वी सैट इन डार्कनेस, और फिर अब यहाँ पर जो लोग हैं वो अंधेरे में एकदम डार्कनेस में बैठे हुए हैं, इसका दोनों ही मीनिंग्स हैं, चाहे वो लिटरल हो मेटाफोरिकल रीज़न हो, दोनों ही यहाँ पर दर्शाए गए हैं, ठीक है, क्योंकि जो स्टॉर्म है उससे वो लोग एकदम डरे हुए हैं। ईच वन बिजी विद हिज प्रेयर्स, और हर कोई हर इंसान जो उस केबिन में मौजूद है सभी कोई अपनी अपनी प्रेयर्स यानी प्रार्थनाएँ पढ़ने में लगा हुआ है भगवान से कि उनकी मदद करें। वी आर लॉस्ट द कैप्टन शाउटेड, तभी सीन में जो है जो कैप्टन है वो आते हैं और वो डिक्लेयर करते हैं कि हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा डेंजर में हैं, ठीक है, और हम लोग उस सी में खो चुके हैं। वी आर लॉस्ट का मतलब मेनली यहाँ पर यही दर्शाया गया है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डेंजर में हैं और हम उस सी में खो चुके हैं। As he staggered down the stairs, तो यहाँ पर जो कैप्टन है वो staggered down का मतलब हो गया, जो कैप्टन है उनकी जो फिज़िकल कंडीशन है वो यही रिफ्लेक्ट कर रही है कि जो शिप है वो बहुत ज़्यादा इनस्टेबल है और बहुत ज़्यादा टर्मोइल है इस पूरे में, और वो स्टेप से नीचे उतरते हुए उस केबिन के अंदर एंटर करते हुए यही बात कह रहे हैं कि हमारी जो शिप है वो बहुत ज़्यादा बड़े डेंजर में है। बट हिज लिटिल डॉटर विस्पर्ड, फिर तभी सीन में जो कैप्टन की जो छोटी बेटी है, ठीक है, वो सीन में आती है और वो कैप्टन से बोलती है कि विस्पर करती है कानों में, विस्पर का मतलब हो गया धीरे से फुसफुसाना, ठीक है। एज शी टुक हिज आईसी हैंड, इज इन गॉड अपॉन द ओशन जस्ट द सेम एज ऑन दी लैंड, तभी जो बेटी होती है वो फुसफुसाती है, क्या बात बोलती है फुसफुसाते हुए, वो जो अपने आईसी हैंड होते हैं, आईसी माने बर्फीले हाथ, क्योंकि ठंड का समय था, सब लोग घबराए हुए थे, चारों तरफ अफरा तफरी थी, तो उसके जो हाथ थे वो एकदम बर्फ जैसे ठंडे थे, और वो अपने हाथ अपने फादर के हाथ में लेती है और बोलती है कि क्या भगवान, जैसे भगवान ज़मीन पर होते हैं लैंड पर होते हैं, वैसे क्या ओशन में भी भगवान नहीं होते हैं क्या, यानी यहाँ पर जो ब्रेवेस्ट लोग थे वो भी डरे हुए थे, पर एक छोटी सी बच्ची ने ये बोल दिया, एक अपने फादर के जो हाथ थे, ठीक है, फादर के हाथ भी आईसी कोल्ड थे एक्चुअली, यहाँ पर जो आईसी हैंड्स हैं वो फादर के आईसी हैंड है, ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्ची है कैप्टन की वो कहती है कि जैसे भगवान ज़मीन पर होते हैं वैसे ही क्या जो भगवान है वो ओशन में प्रेजेंट नहीं होते हैं। आगे चलते हैं, देन वी किस्ड द लिटिल मेडन, फिर यहाँ पर जो लोग होते हैं जो दूसरे लोग होते हैं केबिन में वो उस छोटी से बच्चे के थॉट को बहुत ज़्यादा सराहते हैं, अफेक्शनेट हो जाते हैं उसके साथ, ग्रैटिट्यूड शो करते हैं कि ये लड़की कितनी ज़्यादा ब्रेव है, ठीक है, और वो सभी जो हैं उस लड़की को सराहना शुरू कर देते हैं। एंड वी स्पोक इन बेटर चीयर, एंड वी स्पोक इन बेटर चीयर का मीनिंग हो गया, तो सभी लोग जो होते हैं जो उस केबिन में मौजूद होते हैं उस छोटी सी बच्ची की ये बात सुन करके एकदम
होपफुल हो जाते हैं, उनके सभी के जो स्पिरिट्स होते हैं वो अपलिफ्ट हो जाते हैं और सभी कोई यही इच्छा करने लगता है कि हम लोग सब बच जाएंगे, यानी कि उस छोटी सी बच्ची की इस बात को बोलने का कि इज़ंट गॉड अपॉन द ओशन जस्ट द सेम एज ऑन लैंड, ये बात सुन करके ही सभी लोग उस बच्ची की ब्रेवनेस को देख करके सभी उसको चीयर भी करते हैं और सभी कोई सभी के स्पिरिट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट हो जाते हैं. एंड वी एंकर्ड सेफ इन हार्बर, यानी कि अब यहाँ से जो पोएम है ये कंक्लूड होती है यानी ख़त्म होती है एक पॉजिटिव नोट से कि लास्ट में बताया गया एंकर का मतलब होता है किसी जगह पर जा कर के रख देना या लगा देना, जैसे हम कील ठोकते हैं दीवार में उसको एंकर करना कहते हैं, ऐसे ही जो शिप होती है उसको जब किनारे पर हार्बर में ले आ करके उसको सेफली खड़ा कर देते हैं रस्सी से बांध करके उसको भी एंकर करना बोलते हैं. तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव नोट से ये जो पोएम है ये कंक्लूड होती है और यहाँ पर यही कहा गया कि जो शिप है वो सक्सेसफुली हार्बर यानी किनारे तक पहुँच गई, यानी कि जो शिप है उस स्टॉर्म को पास करते हुए वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाती है. व्हेन द मॉर्न वॉज शाइनिंग क्लियर, अब यहाँ पे मॉर्न का मतलब क्या है, मॉर्न का मतलब हो गया यहाँ पर मॉर्निंग, तो ये बताते हैं कि जो मॉर्निंग आती है जैसे ही सुबह का वक्त होता है जो आसमान होता है वो पूरा क्लियर होता है, यानी कि जो स्टॉर्म है वो वहाँ जो वो पास हो चुका है और अब वो लोग जो भी उस शिप में मौजूद हैं वो सभी डेंजर से बाहर हैं. तो ये इस चैप्टर का एंड था. आई होप आप सभी को इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छे समझ में आ गई होगी. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पर चलेंगे. तो आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं. से यस और नो, इसको हम बुक में ही मार्क कर लेंगे. एवरी वन वेंट ऑन देयर ओन केबिन्स व्हेन द स्टॉर्म स्टार्टेड, तो हर कोई सब अपने जैसे ही स्टॉर्म शुरू हुई थी सब अपने अपने केबिन्स में चले गए थे, नहीं सारे के सारे एक ही केबिन में मौजूद थे. ठीक है. एवरी वन स्टेड अवेक, सब कोई जगा हुआ था. यस, हर कोई जगा हुआ था. All the people were scared because of the storm. सभी लोग डरे हुए थे. Scared का मतलब होता है डरे हुए होना. क्या तूफान की वजह से सभी लोग डरे हुए थे? तो yes, सभी लोग डरे हुए थे. The captain assured everyone that they were safe. जो captain था उन्होंने assure किया था कि सभी लोग safe हैं. नहीं, ऐसा poem में कहीं पर भी दर्शाया भी नहीं गया है कि captain ने assure किया था, जबकि छोटी बच्ची की बातें जो थीं उसकी वजह से सभी लोगों का morale जो था वो uplift हो गया था. The next morning the storm had passed and the sky was clear. अगली सुबह जो storm था वो पास हो गया था, वो ख़त्म हो चुका था और अब आसमान एकदम साफ था. तो yes, इसका आंसर yes हो जाएगा. आइए अब क्वेश्चन आंसर्स पर चलते हैं. At what time did the storm occur? किस समय storm आया था? The storm occurred at midnight. Midnight के वक्त storm occur हुआ था. What season was it? कौन सा season चल रहा था? तो it was winter season. Winter का season था. What did everyone do as they sat in the darkness? सभी लोग क्या कर रहे थे जब अंधेरे में बैठे हुए थे? They were busy with their prayers. तो सभी लोग अपनी prayers करने में busy थे. How did the little girl make everyone feel better? छोटी सी बच्ची ने सबको कैसे better महसूस कराया था? The little girl made everyone feel better by reminding them that God is with them on the ocean just as on land. सभी जो छोटी बच्ची थी उसने सभी लोगों को better feel कराया था ये remind कराते हुए कि जो भगवान हैं वो उनके साथ हैं, जैसे ज़मीन पर होते हैं वैसे ही उनके साथ ocean में भी भगवान मौजूद हैं. Answer with reference to context पर आते हैं. We were crowded in the cabin. Not a soul would dare to sleep. Who are we? यहाँ पर we जो है ये कौन है? We refers to the people in the cabin during the storm. We लोग हैं जो कि उस cabin में मौजूद थे storm के दौरान. Why could they not sleep? वो क्यों नहीं सो पा रहे थे? They could not sleep due to the fear and turmoil caused by the storm. वो डरे हुए थे और जो इतना ज़्यादा turmoil हो गया था, नुकसान हुआ था, ठीक है, उसकी वजह से वो लोग storm में नहीं सो पा रहे थे. Would you be able to sleep in such a situation? क्या आप सो पाएंगे इस तरह की situation अगर हो जाए तो? I would likely find it difficult to sleep in such a situation. यानी कि हमें मुझे भी दिक्कत होगी अगर मैं ऐसे सिचुएशन में फंसी होंगी कि नहीं सो पाऊँगी. ठीक है. So we shuddered there in silence, for the stoutest held his breath, while the hungry sea was roaring. Why were they quiet? वो सभी quiet क्यों थे? They were quiet because they were frightened by the storm. वो सभी quiet थे, चुपचाप थे, क्योंकि वो सभी डरे हुए थे storm की वजह से.
एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टाउटेस्ट. स्टाउटेस्ट का मीनिंग एक्सप्लेन करना है. स्टाउटेस्ट मीन्स द स्ट्रॉन्गेस्ट और द मोस्ट रेजिलियंट पर्सन. यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेवेस्ट पर्सन को स्टाउटेस्ट बोला गया है. वाई डज द पोएट कॉल द सी हंगरी. पोएट जो है सी को हंगरी क्यों बोल रहा है. द पोएट पर्सोनिफाइज द सी एज हंगरी टू एम्फसाइज इट्स फियर्स एंड डेंजरस नेचर. तो जो पोएट है वो सी को पर्सोनिफाई कर रहा है हंगरी से. इससे ये पता चलता है कि जो वहाँ का नेचर है वो बहुत ज़्यादा फियर्स है, डरा हुआ है और डेंजरस सिचुएशन है. Isn't God upon the ocean just the same as on the land? तो who says this? तो ये बात कौन कहता है. तो ये बात तो हमें पता है कि लिटिल गर्ल कहती है. तो द लिटिल गर्ल हु इज कैप्टन्स डॉटर सेज दिस. तो जो छोटी बच्ची है जो कि कैप्टन की बेटी है वो ये बात कहती है. When is this said? ये कब कहा जाता है. It is said during the storm when everyone is frightened. ये तब कहा जाता है स्टॉर्म के दौरान जब सभी कोई डरा हुआ होता है. What effect did these words have on everyone? इस ये जो बात होती है इसकी वजह से सभी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है. These words had a comforting effect on everyone, bringing a sense of hope and assurance. सभी लोग जो होते हैं इस वर्ड इन वर्ड से कम्फर्ट फील करते हैं, ठीक है, और सभी के अंदर होप और रीअश्योरेंस आ जाता है कि हाँ हम इस स्टॉर्म को पार कर जाएंगे और हम जिंदा बच सकते हैं. अब आते हैं थिंक एंड आंसर पर. हाउ डज एवरी वन रिएक्ट वेन दे आर कॉट इन अ स्टॉर्म एट सी. सभी लोग कैसे रिएक्ट करते हैं जब वो लोग स्टॉर्म में होते हैं, फंसे होते हैं. एवरी वन रिएक्ट्स विद फियर एंड एंजाइटी वेन कॉट इन स्टॉर्म एट सी. दे स्टे अवेक, प्रे एंड आर डीपली कंसर्न अबाउट देयर सेफ्टी. सभी लोग डरे हुए होते हैं, घबराए हुए होते हैं जब वो लोग स्टॉर्म में फंसे होते हैं, ठीक है. सभी लोग जागे हुए होते हैं और प्रे कर रहे होते हैं अपनी सेफ्टी के लिए. Why does the poet say that a storm in the winter is a fearful thing? Poet ऐसा क्यों कहता है कि winters का जो storm है वो एक fearful thing है. The poet says that a storm in the winter is a fearful thing because the combination of cold, darkness and a raging storm at sea makes it particularly dangerous and terrifying. तो poet winter के storm को इसलिए fearful मानते हैं क्योंकि winters में ठंड होती है, चारों तरफ अंधेरा है और इसके अलावा जो storm है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस और टेरिफाइंग है. द पोएट रिफर्स टू द सी एज बींग हंगरी. एक्सप्लेन. पोएट जो है सी को हंगरी रेफर कर रहा है. कैसे इसे एक्सप्लेन करना है. द पोएट रिफर्स टू द सी एज हंगरी टू कन्वे इट्स फियर्स एंड रिलेंटलेस नेचर एज इफ इट क्रेव्स टू डिवोर और डिस्ट्रॉय वॉट एवर कम्स इन इट्स पाथ. तो जो पोएट हैं वो सी को हंगरी इसलिए रेफर कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर फियर्स नेचर दिखाया गया है, सी का रिलेंटलेस नेचर दिखाया गया है. इससे हमें ये पता चलता है कि जो सी है उसके रास्ते में कुछ भी आएगा वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगी. द कैप्टन सेज वी आर लॉस्ट. वॉट डिड ही एक्चुअली मीन. कैप्टन कहता है कि हम लोग खो गए हैं, इसका क्या मतलब है यहाँ पर. वेन द कैप्टन सेज वी आर लॉस्ट ही मीन्स दैट द शिप इज इन ग्रेट डेंजर एंड देर इज अ हाई रिस्क ऑफ सिंकिंग और नॉट सर्वाइविंग द स्टॉर्म. तो जब कैप्टन ये कहते हैं कि हम खो गए हैं इसका मतलब ये है कि जो शिप है बहुत ज़्यादा खतरे में है, डेंजर में है और बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है कि वो लोग डूब जाएंगे, सिंक कर जाएंगे, ठीक है, इस स्टॉर्म में और कोई भी नहीं बचेगा. इज द टाइटल द कैप्टन्स डॉटर अ सूटेबल वन. डिस्कस. क्या ये जो टाइटल है कैप्टन द कैप्टन्स डॉटर ये सही टाइटल है. डिस्कस करना है तो इसका आंसर लिखेंगे. द टाइटल द कैप्टन्स डॉटर इज सूटेबल बिकॉज द पोएम हाईलाइट्स द रोल ऑफ द कैप्टन्स डॉटर इन प्रोवाइडिंग कम्फर्ट एंड होप ड्यूरिंग अ पेरिलियस सिचुएशन एट सी. शी प्लेज अ सिग्निफिकेंट पार्ट इन द पोएम्स नरेटिव. तो यहाँ पर जो कैप्टन्स डॉटर टाइटल है वो एकदम सूटेबल टाइटल है क्योंकि पोएम में जो कैप्टन की बेटी का रोल है ये हाईलाइट करता है कम्फर्ट को, ठीक है, होप्स प्रोवाइड करता है. बिल्कुल खतरे भरी सिचुएशन में भी, डेंजर सिचुएशन में भी उसके बातों की वजह से ही जो शिप है वो एट दी एंड हार्बर में एकदम सेफली पहुंच जाती है, ठीक है. तो और उसका एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल रहा है पोएम के नरेटिव में, ठीक है. तो ये इस चैप्टर का एंड था. आई होप एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई होगी. वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स तक, क्लासमेट्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें. मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू.